यहाँ से आपने टिकट्स परचेज करनी है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इसमें पैसे नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड या कार्ड आपके पास हो लाजमी। हेलो जी, तो कैसे हैं सब लोग? आओ, उम्मीद करता हूँ सब लोग आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें एयरपोर्ट मलेशिया से कुआलालंपुर से कैसे जाना है। तो हम यहाँ पे आए हैं केएल सेंट्रल पे, तो यहाँ से हमने KLIA एक्सप्रेस की टिकट ली है, हमें $55 पर पर्सन पड़ी है, ये हमारे पास टिकट है। यहाँ से सीधा ये ट्रेन हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, हम ट्रेन पे तकरीबन 1 आवर में पहुँच जाएंगे, ट्रेन से एयरपोर्ट 1 आवर में इजीली पहुँच जाएंगे। अभी वेट कर रहे हैं हम ट्रेन का, हमारी ट्रेन आती है जब तो हम आपको ट्रेन भी चेक करवाएंगे, अंदर से ट्रेन कौन कौन सी है। और ज़रूरी बात, ये टिकट आप जो है ना कोशिश कीजिएगा, रश होता है और अगर एक दिन पहले भी ख़रीद लें, 1 महीने तक ये वैलिड है, कोई मसला नहीं है। आप बेहतर ये है, ये तो हमें अभी आगे पता चला, हमने टिकट परचेज की, इसके ऊपर वो जो है ना डेट आ रही है कि ये जो है ना 1 महीने तक वैलिड है, तो इसलिए 1-2 दिन पहले खरीद ली जाए तो फिर बंदा इजी होता है। कि जैसे हमें थोड़ी सी दौड़ लगी हुई थी, टेंशन में थे कि हमने जल्दी जाना है, टिकट परचेज करनी है, फिर वो जो है ना वहाँ पे वाकई में टाइम भी लग गया 1/2 घंटा। और टिकट आपने पहले से परचेज की होगी तो फिर टाइम नहीं लगेगा, कोई मसला नहीं है। और हर 1/2 घंटे बाद 15 मिनट बाद जो है ना ट्रेन आती है। हाँ, और दूसरी बात, ये दिन में तकरीबन 15 से 20 मरतबा ट्रेन आती है हर 1/2 घंटे में ना, तो हमारी भी ट्रेन ये आ गई है। हम आपको अंदर से ट्रेन को चेक करवाते हैं, काइंडली हमें लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिएगा। अब बेइज्जती है। ये ट्रेन है, सीट्स हैं, VIP हम इधर बैठे हैं, सब लोग इधर बैठे हैं। एयरपोर्ट के लिए ट्रेन है, ये बैग की साइड है, इधर हम बैग रख सकते हैं, यहाँ से ट्रेन हमारी स्टार्ट होगी। अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन से हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, कोई हमें टैक्सी का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बस नहीं लेनी है। हाँ, ट्रेन की टिकट थोड़ी सी महंगी है, 55 RM की है, मगर सफ़र आपको बहुत सुकून से गुजरेगा, कोई ट्रैफिक का झंझट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है, 1 घंटे का सफ़र है। हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र है, तो टैक्सी और ट्रेन में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो, टैक्सी में और अपना बसेस में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, इजी है आप ट्रेन में आ जाएं। और काइंडली हमें लाइक सब्सक्राइब फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, हम बहुत मेहनत करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
एयरपोर्ट पे देखें कितना इजी ट्रैवल था बिल्कुल, यहाँ से टिकट स्कैन करके आप क्रॉस करके आ जाएंगे। ये इनकी टिकट ऑफिस है, ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है और आपको ऐसी मशीन्स मिलेंगी जहाँ से आपने टिकट्स परचेज करनी है। अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसमें पैसे नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड या कार्ड आपके पास हो लाजमी एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट उतर गए, अभी हम अपनी फ्लाइट चेक कर रहे हैं, हमें जाना है फुकेट। फुकेट 12 बजे आ रही है ना? हाँ 12 बजे G2 पे चलना है। हाँ फुकेट G2। G2 बस स्टेशन फर्स्ट टाइम आए हम मलेशिया एयरपोर्ट, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है। कहीं भी आप किसी भी कंट्री में जाएं, ट्राई किया करें लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करें, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट से बहुत बेनिफिट है, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं लिया करें।